हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि जो आप व्हाट्सएप के स्टिकर होते हैं वो अपने फोटो का कैसे कर सकते। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ जो मैंने एडिट किए हैं वो स्टिकर कैसे दिखते हैं। देखिए मैंने ये स्टिकर्स एडिट किए हैं। तो सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी और उसका नाम है sticker.ly। तो सबसे पहले मैं इसे ओपन कर लेता हूँ और उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा या फिर आप प्ले स्टोर से उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। इस एप्लीकेशन को ओपन करते ही आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो आप सिंपली नीचे प्लस वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक कीजिएगा और क्लिक करने के बाद देखिए आपको रेगुलर और एनिमेटेड दो ऑप्शन मिल जाएंगे। तो आप रेगुलर पे क्लिक करके अपने गैलरी में से एक फ़ोटो सेलेक्ट कीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर जेटा जी का इमेज सेलेक्ट कर लिया है। तो आपके सामने तीन ऑप्शन आ जाएंगे। तो आप फर्स्ट वाला सेलेक्ट कीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद ये अपने आप क्रॉप हो जाएगा। ओके। तो दो नंबर पे टेक्स्ट वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक करके आपको यहाँ पे एक टेक्स्ट लिख लेना होगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ओके, टेक्स्ट लिखने के बाद देखिए नीचे फॉन्ट का ऑप्शन है, उसमें से आप कौन सा भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं ये वाला सेलेक्ट करता हूँ और उसके ही नीचे आपको कलर का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप सिंपली ऐसे एक कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं सिंपली यही वाला रख लेता हूँ। तो इसे ओके करने के बाद आपको अगर इमोजी चाहिए तो आप ऐसे इमोजी भी ले सकते हैं। तो मैं ये वाला ले लेता हूँ। तो इसे हमें सिंपली यहाँ पे सेट कर लेना होगा। ओके, तो सेट करने के बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करके आपको सेव कर लेना होगा। सेव करने के बाद देखिए आप यहाँ पे आपको टाइटल लिख लेना होगा। तो न्यू पैक कीजिएगा और न्यू पैक करने के बाद आपको यहाँ पे न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेना होगा ताकि आपको व्हाट्सएप में जल्दी मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं फोल्डर का नाम लिख लेता हूँ। ओके, और क्रिएटर का नाम एक लिख लेना होगा। तो क्रिएटर का नाम भी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ और सिंपली यहाँ से आपको क्रिएट कर लेना है। ओके, क्रिएट कर लेने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाएगा कि कम से कम 3 स्टिकर्स एक फोल्डर में होने चाहिए। तो मैं यहाँ पे दूसरे और दो स्टिकर्स क्रिएट कर लेता हूँ। ओके, तो देखिए यहाँ पे 3 स्टिकर ऐड कर लेने के बाद ऐड टू व्हाट्सएप ये ऑप्शन आ जाएगा। तो सिंपली आप उस पर क्लिक कीजिएगा और क्लिक करने के बाद अपने व्हाट्सएप पे वो अपने आप ऐड हो जाएगा। ओके, तो ऐड कर लेने के बाद तो मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ कि आप उसे कैसे सेंड कर सकते हैं। ओके, तो आपको सिंपली इमोजी पे जाके उस वाले स्टिकर पे जाना होगा। तो देखिए यहाँ पे आ गया है मेरा ऑप्शन। ओके, तो आप भी इसी ट्रिक का यूज़ करके अपने पिक्स का ऐसे स्टिकर बना के अपने दोस्त के साथ इंजॉय कर सकते हैं। ओके, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।